पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर सियासी जमातों की तरजीही लिस्ट सामने आ गई। नून लीग की तरजीही लिस्ट में ताहिरा औरंगजेब का पहला, शाइस्ता परवेज का दूसरा और मरियम औरंगजेब का तीसरा नंबर है। पीपल्स पार्टी की तरजीही लिस्ट में हिना रबानी खर का पहला, समीना खालिद घरकी का दूसरा नंबर है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीही लिस्ट में मुनेजा हसन का पहला और फिरदौस आशिक का दूसरा नंबर है। इसी हवाले से तफसीला जानेंगे वकास सवान से। जी बताएगा इस लिस्ट के हवाले से। आइए देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब की मखसूस नशस्तों पर, कौमी असम्बली से मखसूस नशस्तों पर सियासी जमातों की तरजीही लिस्टें जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर तरजीही लिस्ट में ताहरा औरंगजेब का पहला नंबर है, जबकि शाइस्ता परवेज मलिक का दूसरा और मरियम औरंगजेब का तीसरा नंबर है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरजीही लिस्ट में पहला नंबर हिना रुबानी खर का है, जबकि दूसरा नंबर समीना खालिद घुरकी का है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीही लिस्ट में पहला नंबर मुनीजा हसन का, दूसरा नंबर फिरदौस आशिक अवान का है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीही लिस्ट रोक ली गई है। जराये के मुताबिक बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो मखसूस चिस्तों की तरजीही लिस्ट थी वो रोक ली है और वो जारी नहीं की गई। इस हवाले से जराये इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का एक फैसला मौजूद है जिसके तहत पीटीआई को इंतहाबी निशान लॉक नहीं हुआ, तो जिसके तहत वो मखसूस सिस्टम पर जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं ला सकती, लिहाजा जब तक कोई इस फैसले के खिलाफ कोई अदालती फैसला नहीं आता उस वक्त तक पीटीआई की तरजीही लिस्टें जारी नहीं की जाएंगी, जबकि दीगर सियासी जमातों की पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली की तरजीही लिस्टें जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई हैं। जी जी बहुत शुक्रिया वकास सवान, आपने अपडेट किया।